कृषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वो एक वन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। वे परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण के लिए अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। तत्वज्ञान की दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय। विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। मानव जाति के प्राचीनतम ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता संस्कृति आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन साहित्य ललित कला संगीत ज्योतिष ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सायण कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद है। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् ज्ञातस्य वरुता ऋचा सामानि च गिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् यजुस्त स्माद् जायत। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम ऋग्वेद है। ऋग्वेद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 1028 सूक्त में 10,600 मंत्र हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का प्राधान्य है, जिसकी समाप्ति अनेक अक्षरों वाली है अथवा जो गद्यमय है उसे यजुष कहते हैं। अन्यताक्षरावसान यजु। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद गीति साम है, गीतिषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्जित एवं उत्तरार्जित। सामवेद में
1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद अभिचार मंत्रों का ज्ञान अथर्ववेद में है। इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी शौनक शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं।